मैंने यहाँ पे मोबाइल होल्डर बनाने के लिए एक मेटल का रिंग लिया है और 2 मीटर का येलो कलर कॉर्ड 18 पीस लिया है और ऊपर से रैप के लिए ऑरेंज कलर का कॉर्ड लिया है और कुछ बीड्स लिया है क्रिस्टल का ब्लू कलर। पहले कॉर्ड को हाफ फोल्ड में लेकर रिंग पे ऐसे फिक्स करना है, पूरे 18 कॉर्ड को ऐसे ही फिक्स करके लेना है। अब यहाँ पे लास्ट का एक कॉर्ड लेना है और उस पे एक बीड्स डालना है। बीड्स डालने के बाद उसके ऊपर पाइपिंग नॉट डालते जाना है 8 कॉर्ड तक। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक लाइन पाइपिंग नॉट डाल के लिया है। अब मैं फिर से सेकेंड लाइन कर रही हूँ। ऐसे ही 4 लाइन पाइपिंग नॉट डालना है, दोनों तरफ सेम करना है। मेरा यहाँ पे 4 लाइन पाइपिंग नॉट कंप्लीट हो चुका है दोनों तरफ से। अब मैं यहाँ पे बीच का 4 कॉर्ड लेकर वहाँ पे एक स्क्वायर नॉट डालूँगी। वैसे ही साइड का भी 2 कॉर्ड लेकर फिर से स्क्वायर नॉट डालना है। गौर से देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे बीच का एक कॉर्ड लेकर पाइपिंग नॉट डाल रही हूँ। ऐसे ही 2 लाइन पाइपिंग नॉट कंप्लीट करूँगी।
दोनों तरफ सेम करना है। मेरा यहाँ पे दो लाइन पाइपिंग नॉट कंप्लीट हो चुका है और इस साइड भी सेम करना है। अब मैं यहाँ पे बीच का चार कॉर्ड लेकर उस पर स्क्वायर नॉट डालूँगी। वैसे ही हर एक स्क्वायर नॉट के दो कॉर्ड लेकर एक तरफ से स्क्वायर नॉट डालते जाना है। सेम स्क्वायर नॉट कंटिन्यू करना है। जितना बड़ा पाउच चाहिए आपको उतना स्क्वायर नॉट डालते जाइए। मैं मोबाइल होल्डर बनाने के लिए मिनिमम यानी 16 कॉर्ड, मैक्सिमम यानी 18 कॉर्ड लेती हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन डालने के लिए थोड़ा पाउच या फिर होल्डर जो है बड़ा चाहिए। आप यहाँ पे अपने मोबाइल के हिसाब से कॉर्ड ले सकते हैं। ट्राइंगल कंप्लीट होने के बाद दो नॉट के बीच की चार कॉर्ड को लेकर स्क्वायर नॉट डालते जाना है। मेरा यहाँ पे स्क्वायर नॉट डाल के कम्प्लीट हो चुका है। अब मेरा इतना बड़ा पाउच बनेगा। अब यहाँ पे विड्थ को देकर ऑरेंज कलर कॉर्ड को कट करके लेना है। जितना विड्थ है उतना ही कॉर्ड लेना है। जो साइड में होल दिखता है वहाँ से कॉर्ड को लेकर एक छोटा सा नॉट डालना है। मैं यहाँ पे 2 मीटर का ऑरेंज कलर कॉर्ड ले रही हूँ। जहाँ पे होल दिखता है वहीं पे कॉर्ड को अंदर की तरफ लेकर नॉट डाल के लेना है। ये ग्रिप के लिए है। अब मैं यहाँ पे रैप करते जाऊँगी। गौर से देख लीजिए, मैं और कॉर्ड नहीं ले रही हूँ, सिर्फ ऑरेंज कलर का कॉर्ड। ऐसे ही रैप करते जाऊँगी। सेम ऐसे ही करना है एक लाइन कंप्लीट होने तक। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये रैपिंग जो है नया है और मोबाइल होल्डर भी नया है।
मेरा यहाँ पे एक लाइन रैपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो ऑरेंज कलर कॉर्ड है उसे लास्ट का जो एंड में दिखाई देता है होल, वहाँ से पीछे से आगे लेना है। एक लाइन के एंडिंग में ऐसे ही लेना है। अब मैं यहाँ पे जो रैप के बीच में जो गैप दिखाई देता है वहाँ से फिर से रैप करते जाऊँगी। गौर से देख लीजिए, ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। ये जो रैपिंग है बहुत ही आसान है, एक बार समझ जाओ तो आराम से मोबाइल होल्डर बना सकते हैं आप, और कॉर्ड भी ज़्यादा नहीं लगता इसमें। मेरा यहाँ पे सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से एंड का जो होल दिखाई देता है वहाँ से टर्न करके ले रही हूँ कॉर्ड को, और सेम रैपिंग कंटिन्यू करूँगी। ऐसे ही जितना बड़ा पाउच है, यानी जितना बड़ा पाउच बनाना है उतना वहाँ तक का रैपिंग कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे रैपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस ऑरेंज कलर कॉर्ड को लास्ट का जो होल दिखाई देता है वहाँ पे पीछे की तरफ लेकर उसे जला के वहीं पे लगा दूँगी। अब जो है यहाँ पे पैक करना है।
मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर के रैप के पीछे जो नॉट डाला हुआ है स्क्वायर नॉट, दो स्क्वायर नॉट के बीच का दो कॉर्ड लेकर जहाँ पे गैप दिखता है ऑरेंज कलर कॉर्ड पे वहाँ से ऊपर ले रही हूँ। जो चार कॉर्ड हैं उसे लेकर स्क्वायर नॉट डालूंगी। अब सेम स्क्वायर नॉट जैसे पाउच में डालते हैं वैसे ही डालना है, लेकिन जो बीच का दो कॉर्ड लेकर उसे ऊपर से ऑरेंज कलर के कॉर्ड से लेना है। एक स्क्वायर नॉट के बाद दो होल छोड़ना है ऑरेंज कलर का और तीसरे पे येलो कलर कॉर्ड को डाल के लेना है। ऐसे स्क्वायर नॉट डालना है, बाद में पूरे कॉर्ड पे स्क्वायर नॉट डालना है, तब जाके पैक हो जाएगा। मेरा यहाँ पे स्क्वायर नॉट डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब जो है रैप किया था उस कॉर्ड को मैं यहाँ पे कट करके जला के पीछे की तरफ लगा दूंगी। स्टार्टिंग में जो हमने नॉट डाला था ऑरेंज कलर का वहाँ पे भी कट करके जला के पीछे की तरफ लगा देना है। स्टार्टिंग में जो ग्रिप के लिए मैंने नॉट डाल के रखा था ऑरेंज कलर कॉर्ड का वहाँ पे भी जला के पीछे की तरफ लगा देना है। अब जो बाकी बचा हुआ कॉर्ड है उसे कट करना है और दो स्क्वायर नॉट के बीच का जो कॉर्ड रहता है उसे भी कट करके पीछे की तरफ लगा देना है जला के।